सो फाइनली गाइस, आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है यार, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा हाई क्वालिटी में ऑयली फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करके, देन वो भी एकदम आसान तरीके से। तो फाइनली गाइस, यहाँ देख सकते हो हमारा जो पिक है कितना हाई क्वालिटी में सीवी फोटो एडिटिंग हुआ है। तो फाइनली गाइस, जो हमारा वीडियो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देन गाइस, यहाँ हम लोगों को सबसे पहले जो हम लोगों का फोटो रूम है देन उसको हम लोग को ओपन कर लेना है, क्योंकि देन गाइस यहाँ फाइनली हम लोगों का जो मॉडल का बैकग्राउंड है देन उसको रिमूव करना है, ठीक है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ आप लोग बैकग्राउंड चेंज करके ये क्या बताने वाला है बोल के बैकग्राउंड को चेंज कर देगा, भाई वैसा नहीं बताऊंगा, आप लोगों को एकदम ही न्यू ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो फोटो रूम ओपन कर लेने के बाद फाइनली आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा, देन उसके बाद करना क्या है, देन यहाँ हम लोग को स्टार्ट फ्रॉम फोटो शो हो जाएगा, देन इस पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस, जो भी अपना मॉडल को आप लोग बैकग्राउंड को इरेज करना चाहते हैं उसको आप लोगों को कुछ इस टाइप से सेलेक्ट कर लेना है। फाइनली यहाँ आप लोगों का डाटा को और रख के करना है गाइस, फाइनली ऑटोमेटिक ही उसके बाद ये आप लोगों का जो बैकग्राउंड उसको रिमूव करके दे देगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को तीसरा वाला ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, देन इस पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद फाइनली गाइस, यहाँ ऊपर पे आप लोगों को शेयर वाला ऑप्शन हो जाएगा, देन इस पर हम लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद फाइनली यहाँ से आप लोगों को सेव टू गैलरी पे फाइनली क्लिक कर लेना है, ठीक है। फाइनली ये आप लोगों का पीएनजी बनकर रेडी हो चुका है। देन उसके बाद एडिटिंग कैसे करना है वो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइस, यहाँ सबसे पहले आप लोगों को जो अपना स्नैपशीट है ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को प्लस वाला आइकन शो हो जाएगा, देन इस पर हम लोगों को क्लिक करना है गाइस। क्लिक कर लेने के बाद ना फाइनली यहाँ करना क्या है, जो आप लोगों का मॉडल है रियल मॉडल देन उसको आप लोगों को यहाँ ले लेना है। तो फाइनली यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल देन उसको हम लोगों ने अपना जो स्नैपशीट है देन उस पर ओपन कर लिया है, ठीक है। फाइनली उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा, देन उसके बाद फाइनली हम लोग को जाना है गाइस अपना टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद देन फाइनली सबसे पहले हम लोग को यहाँ करना क्या है, जो अपना मॉडल है देन उस पर HDR इफेक्ट डालना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को शो हो जाएगा HDR, देन इस पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद ना देन गाइस, यहाँ आप लोगों को ये फर्स्ट वाला रख लेना है, ठीक है। उसके बाद देन यहाँ आप लोगों को फेदर को यहाँ बढ़ा लेना है पूरा हाई, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ा डिक्रीज कर लेना है गाइस, लगभग इसको हम लोग -28% रखेंगे, जो आप लोगों का सेचुरेशन है देन इसको आप लोगों को फुल कर लेना है। आफ्टर ऑल उसके बाद कुछ भी नहीं करना है गाइस, इस फोटो को हम लोगों को यहाँ से कर लेना है राइट, ठीक है। राइट कर लेने के बाद फाइनली कुछ भी नहीं करना है, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है देन इस पर जाके फाइनली इस फोटो को हम लोग को सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद फाइनली गाइस, इस पिक को लेके जाना है हम लोगों को जो अपना पिक्सार्ट है देन उसके अंदर। तो अपना पिक्सार्ट ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद देन गाइस, यहाँ आप लोगों को जो अभी फोटो सेव किए हो स्नैपशीट से देन वाला पिक को यहाँ ले लेना है, ठीक है। ले लेने के बाद फाइनली हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ स्वेप कर लेना है। स्वेप कर लेने के बाद फाइनली गाइस, यहाँ आप लोगों को जाना है अपना एड फोटो पे, देन नीचे पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक बैकग्राउंड मिलेगा, देन उस बैकग्राउंड को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो देन गाइस, ये वाला बैकग्राउंड है आप लोग देख सकते हो, इस बैकग्राउंड का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जितना भी पीएनजी और मटेरियल यूज होंगे उन सब का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ साइज को इंक्रीज करके कुछ इस टाइप से जमा लेना है, ठीक है। जमा लेने के बाद फाइनली गाइस, यहाँ आप लोगों को शो हो जाएगा इरेजर, देन इस पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद फाइनली हम लोग को आ जाना है इरेजर पे। देन गाइस, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ पे मार्क लगा के दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओ, ठीक है। यहाँ ओपेसिटी और हार्डनेस को कम कर लेना है, साइज को बड़ा कर लेना है, फाइनली नीचे के साइड को उसको बाद आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ हल्का हल्का इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का जो पैर है ना देन गाइस, उसको आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा इरेज करना है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को, क्योंकि जो हम लोगों ने कटआउट बनाना है ना गाइस, उसको हम लोग को यहाँ फाइनली मैच करना है, तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ को थोड़ा सा ज़्यादा इरेज कर लेना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख जाए। यहाँ आफ्टर ऑल कुछ इस टाइप से फाइनली, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से हम लोग को इसको कर लेना है राइट पे क्लिक, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस, अब क्या करना है हम लोग को, देन अब फिर से जाना है हम लोग को अपना ऐड फोटो पे। देन गाइस, यहाँ हम लोग कुछ पीएनजी ऐड करेंगे, देन उसको हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ आप लोगों को ये दोनों पीएनजी को ऐड कर लेना है, ठीक है। देन गाइस, इस दोनों पीएनजी का भी लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ नीचे की तरफ यहाँ रख लेते हैं, देन इसको हम लोग कुछ साइज को इंक्रीज करके यहाँ कुछ इस टाइप से यहाँ बिठा लेंगे अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को भी कुछ इस टाइप से बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद ना फाइनली गाइस, यहाँ हम लोग को नीचे के साइड को थोड़ा सा यहाँ स्वाइप करना है। स्वाइप कर लेने के बाद फाइनली यहाँ आप लोगों को शो हो जाएगा एक ब्लाइंड का ऑप्शन, देन इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फाइनली स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। आफ्टर ऑल उसके बाद आप लोगों का पिक का जो बैकग्राउंड है कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ व्हाइट का एक पीएनजी लिया हुआ है ना गाइस, इसका भी साइज को हम लोगों को यहाँ फुल स्क्रीन कर लेना है। आफ्टर ऑल कुछ इस टाइप से यहाँ देख सकते हो। देन उसके बाद हम लोगों को फिर से यहाँ नीचे की तरफ को स्वाइप कर लेना है। स्वाइप कर लेने के बाद ना दोस्तों, यहाँ आप लोगों को फिर से जाना है ब्लाइंड पे। ब्लाइंड पे जाके फाइनली इसको यहाँ से आप लोगों को स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ आप लोगों को इस साइड थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा एडजस्ट करके रखना है, क्योंकि देन गाइस यहाँ हम लोगों का जो मॉडल का हेयर है इसलिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा करेंगे, ठीक है। देन फाइनली उसके बाद क्या करना है, हम लोग को आ जाना है अपना इरेजर पे। इरेजर पे आने के बाद देन यहाँ इरेजर ले लेंगे, हार्डनेस ओपेसिटी कम करके साइज को बड़ा कर लेंगे, और यहाँ आप लोगों को नीचे के साइड थोड़ा सा लाइन दिख रहा है ना गाइस, इसको आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ इरेज करना है आफ्टरऑल कुछ इस टाइप से। उसके बाद फाइनली यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे राइट पे क्लिक, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, देन इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन शो हो जाएगा बीच पे मूव डाउन का, देन इस पर हम लोगों को फाइनली क्लिक कर लेना है। या तो आप लोग मूव अप करोगे तो जो आप लोगों का लाइट का पीएनजी है ना देन गाइस वो ऊपर आ जाएगा, मूव डाउन करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो इसको हम लोग मूव डाउन कर लेंगे, ठीक है। फाइनली उसके बाद आप लोगों का बैकग्राउंड कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन उसके बाद यहाँ से हम लोगों को फाइनली कुछ भी नहीं करना है, देन यहाँ से कर लेना है राइट पे क्लिक। तो देन गाइस यहाँ हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो तो एडिटिंग हो चुका है। देन फाइनली उसके बाद करना क्या है, देन जाना है हम लोगों को फिर से अपना ऐड फोटो पे, जो हम लोगों का मॉडल का कटआउट है ना गाइस, इसको हम लोगों को फाइनली यहाँ ऐड करना है, जो भी हम लोगों ने कटआउट बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ साइज को कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन कर लेंगे, आफ्टर ऑल यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का प्रोफेशनल तरीके से यहाँ मैचिंग हो जाएगा बैकग्राउंड पे जो आप लोगों का मॉडल है। देन फाइनली उसके बाद क्या करना है, हम लोग को जाना है अपना इरेजर पे। इरेजर पे जाने के बाद देन गाइस यहाँ हम लोग हल्का हल्का सा जो अपना नीचे का एरिया है देन इसको हार्डनेस ओपेसिटी को कम करके यहाँ थोड़ा सा इरेज करेंगे, और जो हम लोगों ने यहाँ इफेक्ट अप्लाई किया है उसको भी हम लोग यहाँ अच्छे से थोड़ा सा मैचिंग कर लेंगे गाइस, ठीक है। अब टूल उसके बाद आप लोगों का पिक कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन फाइनल कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद यहाँ से हम लोगों को ना दोस्तों यहाँ राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ठीक है, राइट पे क्लिक कर लेने के बाद आफ्टर ऑल आप लोगों का पिक कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, देन हम लोगों को फिर से जाना है अपना ऐड फोटो पर। देन यहाँ आप लोगों को एक मासूम का पीएनजी मिलेगा, देन टैक्स पीएनजी उसको फाइनली ऐड कर लेना है। पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद देन साइज को इंक्रीज कर लेना है ऊपर पे आप लोग, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट करके लगा सकते हैं दोस्तों कुछ इस टाइप से, ठीक है। देन उसके बाद फाइनली क्या करना है, हम लोग को यहाँ नीचे का साइड है ना, देन इसको हम लोग को फिर से स्वाइप कर लेना है। स्वाइप कर लेने के बाद ना दोस्तों हम लोग फिर से जानेंगे अपना ब्लाइंड पे। फाइनली इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे स्क्रीन पे क्लिक, देख सकते हो। उसके बाद जो आप लोगों का पीएनजी है कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, तो देन साइज थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे या नीचे पे एडजस्ट करके लगा लेंगे, ठीक है। फाइनली उसके बाद आप लोगों का पिक कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन उसके बाद क्या करेंगे गाइस, देन हम लोग यहाँ से इसको कर लेंगे राइट पे फाइनली क्लिक, ठीक है। देन उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा इस फुक को लेके जाना है हम लोगों को अपना ड्रॉ टूल पे। फाइनली उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको कर लेंगे हम लोग सेव। सेव कर लेने के बाद देन क्या करना है गाइस, अब जो हमारा मॉडल का फोटो को क्वालिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। वो कैसे करना है वो भी आप लोगों को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देन इसके लिए आप लोगों को रिमनी ऐप की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। फाइनली गाइस यहाँ रिमनी ऐप को हम लोगों ने ओपन कर लिया है, तो देन गाइस यहाँ आप लोगों को डाटा को ऑन रखे वाला प्रोसेस को करना है, ठीक है। रिमनी ऐप ओपन कर लेने के बाद देन दोस्तों आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, आप लोगों का जो पिक है उसको आप लोगों को यहाँ से चूज कर लेना है, जो भी हम लोगों ने अभी सेव किया है, ठीक है। उस पर क्लिक कर लेने के बाद देन नीचे पे आप लोगों को ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, देन इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस फाइनली आप लोगों का डाटा ऑन रहेगा, तो ऑटोमेटिक ही आप लोगों का फोटो की क्वालिटी को इंक्रीज करके दे देगा दोस्तों। तो यहाँ मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, तो देन यहाँ हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ फाइनली देख सकते हो जो हम लोगों का मॉडल का पीक है काफ़ी हाई क्वालिटी में फाइनली इंक्रीज करके दे दिया है, यह देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। देन क्वालिटी तो इंक्रीज हो गया है, बाकी हम लोग का जो फोटो की कलर और चमक है दोनों यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। तो जो चमक है उसको कैसे आप लोगों को वापस लाना है वो भी मैं बताऊंगा। देन ओके गाइस, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और फाइनली हो सके तो सपोर्ट भी करना दोस्तों। आप लोग आते हो हर वीडियो को देख कर चले जाते हो, तो फाइनली यहाँ से हम लोग उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों फोटो को जो अपना है, ठीक है। ये हो गया डाउनलोड। अब देन क्या करना है, जो हमारा मॉडल का बैकग्राउंड है देन उस पर हम लोग को चमक लाना है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसको यहाँ से सीधा सेव करके इस पिक को ओपन करेंगे हम लोग अपना स्नैपशीट के अंदर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है देन उसको हम लोगों ने फिर से अपना जो स्नैपशीट है देन उस पर ओपन कर लिया है, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद देन यहाँ हम लोग जाएंगे फिर से अपना टूल्स वाला ऑप्शन है देन इस पर, ठीक है, चमक डालने के लिए दोस्तों। उसके बाद देन क्या करना है, आप लोगों को यहाँ एक ऑप्शन शो जाएगा, यहाँ देख सकते हो ब्रश का, देन इस पर आप लोगों को फाइनली क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को चौथा वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है दोस्तों। चूज कर लेने के बाद आफ्टर ऑल आप लोगों को कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना है। फाइनली उसके बाद जो आप लोगों का यहाँ देख सकते हो प्रोफेशनल तरीके से चमक आ जाएगा। आप लोग पहले करके देखना दोस्तों, एकदम ही बेस्ट तरीका है आप लोगों को जो
कपड़े हो या बैकग्राउंड हो कहीं पे भी चमक लाना हो तो ये वाला ट्रिक का आप लोग अप्लाई करके देखना। फाइनली आप लोगों का जो पिक है ना गाइस, या उसका मॉडल या कहीं पे भी आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोग पहले करके देखना कितना प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों का जो पिक है ना एकदम औसम तरीके से लगेगा। आप लोग पहले इस ट्रिक का अप्लाई करके देखना, ठीक है। अब भाई आप लोग आते हो वीडियो को देख के चले जाते हो यार, तो हो सके तो भाई सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते तो भाई प्लीज़ एक लाइक कर देना ताकि मेरा भी मोटिवेशनल बना रहे और मैं ताकि अच्छे अच्छे वीडियो लेके लाता रहूं भाई, ठीक है। तो एक लाइक करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा भाई। आप लोगों को कोई बोल देगा कि चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया था, वो आप लोगों को ये कसम उस कसम देंगे भाई, उनको आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो वैसा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा गाइस। प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसे ही सपोर्ट करना देन, ओके गाइस। तो आफ्टर ऑल आप लोग देख सकते हो कितना औसम तरीके से फाइनली हम लोगों का जो मॉडल का बैकग्राउंड है उस पर अच्छे से चमक आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं राइट। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ बिफोर इन आफ्टर, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है गाइस, इस फोटो को हम लोग को अपना एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है देन इस पर क्लिक करके फाइनली सेव कर लेना है, ठीक है। सेव कर लेने के बाद देन गाइस इस पिक को फाइनली लेके जाना है। अब हम लोगों को अपना टूल विज ऐप के अंदर फाइनली वहाँ करेंगे जो हमारा मॉडल देन उस पर ऑयल पेंट इफेक्ट अप्लाई। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों हम लोगों ने अपना टूल विज ऐप है देन उसको हम लोगों ने ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन फाइनली उसके बाद यहाँ आप लोगों को प्रो एडिट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस जो हम लोगों ने अभी स्नैपशीट से अपना जो फोटो की यहाँ चमक दिया है देन वाला पिक को ले लेंगे। ले लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप का ऑप्शन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन हो जाएगा इफेक्ट का, यहाँ देख सकते हो। देन इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ सॉफ्ट स्मच पे आप लोगों को फाइनली क्लिक करना है दोस्तों। देन यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा स्वाइप कर लेना है। स्वाइप कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को ये वाला ऑप्शन हो जाएगा देन इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, यहाँ देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों का ऑयल पेंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फाइनली उसके बाद क्या करना है, यहाँ मास्क पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ हम लोगों को क्या करना है, क्लीन पे क्लिक करना है दोस्तों। देन उसके बाद यहाँ हम लोगों को कुछ इस टाइप से अप्लाई करना है जहाँ जहाँ आप लोग अपना ऑयल पेंट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो। तो फाइनली दोस्तों यहाँ जो हमारा मॉडल का ड्रेस है उस पर भी हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेंगे ताकि एकदम प्रोफेशनल तरीके से जो हमारा मॉडल का यहाँ जो पीक है वो लगे। तो आप लोग चाहो तो अपने जो मॉडल का ड्रेस है उस पर भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, वरना हेयर पर भी आप लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। तो देन मैं यहाँ ड्रेस पर भी अप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि जो हमारा मॉडल का ड्रेस है ना वो भी कितना औसम तरीके से लगे। तो आफ्टर ऑल आप लोगों को भी कुछ इस टाइप से ऑयल पेंट इफेक्ट अप्लाई करना है। तो आफ्टर ऑल यहाँ देख सकते हो उसके बाद जो हम लोगों का पीक काफ़ी ज़्यादा औसम तरीके से लग रहा है गाइस। फाइनली इसके बाद कुछ भी नहीं करना है देन यहाँ से हम लोग इसको राइट कर लेंगे। राइट कर लेने के बाद देन गाइस फाइनली इस फोटो को हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ ऊपर पर आप लोगों को एक ऑप्शन हो जाएगा सेव का, देन इस पर क्लिक करके फाइनली हम लोगों को इसको कर लेना है सेव। देन उसके बाद क्या करेंगे गाइस, इस पिक को लेकर जाएंगे अपना लाइट रूम के अंदर। देन वहाँ करेंगे थोड़ा बहुत हम लोग जो अपना मॉडल का कलर रिटचिंग। तो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल देन उसको हम लोगों ने अपने यहाँ लाइट रूम में ओपन कर लिया है, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को करना क्या है, सीधा सीधा जाना है आप लोगों को यहाँ कलर वाला ऑप्शन है देन इस पर, ठीक है। यहाँ उसके बाद आप लोगों को देख सकते हो चार ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ आप लोगों को फाइनली देख सकते हो टेम, टीन, वाइब्रेशन, सेचुरेशन। देन ये आप लोगों का मेन चीज़ है फेस पे अच्छी तरीके से चमक डालने के लिए और सही तरीके से आप लोगों का फेस को कलर देने के लिए, देन आप लोगों का जो मॉडल का बैकग्राउंड और ड्रेस पे चमक देने के लिए, ठीक है। तो फाइनली इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग यहाँ इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे। तो देन जाएंगे इफेक्ट पे, देन थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करेंगे, क्लैरिटी थोड़ा सा ऐड करेंगे गाइस। फाइनली इसको 4% डीएस थोड़ा इंक्रीज करेंगे, विग्नेट थोड़ा सा माइनस करेंगे लगभग 9%, ठीक है। देन जाएंगे डिटेल पे, शार्पनेस को हम लोग बढ़ा लेंगे लगभग 80% से 82%। देन डिटेल थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, मास्किंग को यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, नोइट्रेशन थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, क्लैरिटी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, कलर नोइट्रेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ डिटेल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे और स्मूथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। फाइनली उसके बाद यहाँ देख सकते हो आप लोगों का पिक है बिफोर इन आफ्टर, इतने में कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन उसके बाद जाना है कलर पर, ठीक है। कलर पे जाने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को मिक्स टूल पे आना है। मिक्स टूल पे आने के बाद जो आप लोगों का ग्रीन कलर है यहाँ देख सकते हो पीछे के साइड गाइस, उस हिसाब से यहाँ आप लोगों को ग्रीन कलर चूज करना है। और यहाँ आप लोगों को इसको येलो टोन देना है तो हुई को पूरा माइनस करना है, ठीक है। सेचुरेशन को आप लोगों को इंक्रीज कर लेना है, यहाँ देख सकते हो आप लोग कुछ इस टाइप से। लुमिनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। फाइनली उसके बाद क्या करना है, आप लोगों का जो मॉडल का ड्रेस का कलर है उस हिसाब से यहाँ आप लोगों को कलर सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग अपना ये वाला लेंगे तो ही को आप लोग चेंज करोगे तो आप लोगों का देख सकते हो मॉडल का ड्रेस कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा।
तो फाइनली हम लोग यहाँ तो ड्रेस को चेंज करेंगे नहीं, सिर्फ डार्क करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ हुई को हम लोग रखेंगे लगभग 13%, सेचुरेशन इंक्रीज करेंगे लगभग यहाँ 15%, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को अपना जाना है यहाँ फाइनली रेड कलर पे, ताकि जो हम लोगों का मॉडल का फेस है उस पर हम लोगों को यहाँ थोड़ा सा लाइट दे सकें। तो लुमिनियस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे ताकि जो फ्लेश है वो गोरा हो जाए। सेचुरेशन थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे लगभग 10%, तो लुमिनियस को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे हम लोग यहाँ रखेंगे 17%, ठीक है गाइस। देन दूसरा वाला है उसका भी हम लोग यहाँ सेचुरेशन डाउन करेंगे, लुमिनस थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे ताकि जो हमारा मॉडल का फेस है और भी ज़्यादा गोरा हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग और भी ज़्यादा गोरा करना चाहते हो तो आप लोग बढ़ा सकते हो, बाकी मेरे को और नहीं करना है गाइस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको करने देंगे डन, देन जाना है। उसके बाद हम लोगों के यहाँ पहला जो अपना टैंप है देन इस पर यहाँ देख सकते हो, उनको आप लोग कम ज़्यादा करोगे तो आप उनका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को रखना कितना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो टेम को यहाँ हम लोग माइनस करेंगे गाइस, लगभग ज़्यादा नहीं करना है इसको, आप लोगों को अपने फेस जितना में अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोगों को करना है। तो टेम को हम लोग यहाँ -6% रखेंगे, ठीक है। टीन को हम लोग यहाँ इंक्रीज कर लेंगे लगभग गाइस, इसको हम लोग रखेंगे अपना 5 से 6%। वाइब्रेंस इंक्रीज करेंगे गाइस ताकि हम लोगों का जो बैकग्राउंड है और जो मॉडल का ड्रेस है उस पर अच्छे से चमक आए। सेचुरेशन इंक्रीज करेंगे ताकि और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी में चमक आ जाए, यहाँ देख सकते हो बिफोर इन आफ्टर। सो गाइस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो यार प्लीज़ सपोर्ट करना, देन चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली गाइस मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।